वो सुलेमान साहब ही है ना जिनकी बेटी से तू शादी करना चाहता है। पागल तो नहीं है तू, है कुछ भी पगल बच। पकड़ा गया मेरे यार, उस दिन तू फोन पे बातें कर रहा था ना किसी लड़की से, वो क्या नाम उसका, हाँ शिब्रा, शिब्रा शिब्रा कह के तू बातें कर रहा था। तो इत्तफाक से मेरे यार सुलेमान साहब की बेटी का नाम भी शिब्रा ही है। तो गला ही दबा देगा, चुप हो जा। मैं वो क्या कह रहे थे, गधा बेवकूफ और क्या, और लुका पट्टा। हाँ ये तीनों मैं नहीं हूं, आई हूँ। बात समझ में। हाँ मुनव्वर भाई, लुका पट्टा तो मैं हूं, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था आपके साथ, आप तो समोसा बुरा बन गए मेरे भाई। ऐसा ऐसा नहीं करना, मेरी मोहब्बत जैसे दुनिया ना उड़ाओ, मैंने बड़ी मेहनत की है यार, तो मैं अल्लाह का वास्ता है। ये देखो अपनी जिंदगी एंजॉय करो, बस चुप रहना, किसी को बताना नहीं कुछ। अरे यार फजल बख्श, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से दुआई निकलती है मेरे भाई। हाँ अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। वैसे मैं तो सब आशिकों के लिए दुआई करता हूं कि कोई भी इस दुनिया में ना मुराद ना रहे। ऐसे ऐसा ही है, ऐसा ही अच्छा कह रहे हो, आपकी भी लव स्टोरी थी। फिर ये देख, क्यों ये तू ले, अरे नहीं नहीं यार, आप रखो अब, अरे आप रखो, अरे आप, अरे 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 देखो अरे देखो मेरे यार, दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करूंगा, समझ गए। दिल जीत लिया तुमने मुनव्वर भाई, इस बात पे खुदा की कसम यार। तो तुम्हारी भी लव स्टोरी थी, मैं बताऊं। हाँ यार मेरी भी लव स्टोरी थी, लेकिन तुम्हें थी पता है मेरी लव स्टोरी में विलेन कौन था? कौन था लड़की का बाप? नहीं, उसका शौहर। लेकिन लेकिन तुम फिक्र मत कर, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, ठीक है? मैं कोई अच्छा सा मौका देकर सुलेमान साहब से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा। हाँ मैं हूं ना, तू फिक्र क्यों करता है। मैं बात करूंगा ना। हाँ हाथ जोड़ता हूँ। डैड, कितना बिजी हो गया। वेलकम बैक। प्रिंसेस, वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो पूरे एक वीक के लिए मिडिल ईस्ट गए हुए थे। बिल्कुल गया था, पर मुझे आना ही पड़ा अपनी प्रिंसेस के लिए और शमीर को सरप्राइज देने की डेट जो मैंने सोच रखी है वो एक्सपायर हो जाती। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल डैड। ताजा भिंडी लाल टमाटर, ताजा भिंडी लाल टमाटर, जो भी आए खरीद ले भले, जो भी आए खरीद ले भले। टमाटर कितने? टमाटर 150 रुपए। 150 रुपए। और आलू? आलू 80 रुपए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आलू 80 रुपए के, तो प्याज कितने का है? प्याज 120। 120 रुपए का प्याज? अल्लाह, अगर इतनी महंगी सब्जियों की तू करेक्टर मिल गया। और धनिया पुदीना तो मुफ्त में नहीं दे रहे ना? हाँ मिल गया, देख मेरी बात सुन।
मेरे को तो किरदार मिल गया, अब मैं तुमको किरदार देने वाला हूँ, ठीक है ना? मैं पैसे दे रहा हूँ, लड़की आएगी, चुप कर मेरी बात सुनिए, पैसे पकड़, लड़की आएगी जो चीज़ में वो बोलेगा बस हाँ मैं, जो तो बोलता है ना भले भले भले, बस तू भले भले कह के बात खत्म कर देना यार, ये संगत में मजबूर करते हो ना, ये टिकटॉक भी तेरी जैसी कर रही है भले ठीक है ना, तुम्हारी इतनी महंगी सब्जी नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, बहुत महंगाई है, लाल टमाटर बहुत महंगा है, अरे अरे बहुत सस्ता है, सामान बेचता है, शक्ल देखो तेरी मासूम है, कितना ईमानदार है, टमाटर कितने के हैं? 40 रुपए भले, लौकी लौकी है 20 रुपए भले, भिंडी भिंडी 15 रुपए की भले, तोरी तोरी कितने की, कितने की 8 रुपए भले, देखो प्याज फिर मैं 2 रुपए की ले लू, नहीं नहीं 5 रुपए की भले, फजल बख्श जी, जी मैडम मेरा नाम है फजल बख्श, मुझसे बात कर रही है, क्या नाम है आपका? मेरा मेरा खुदा बख्श नाम है ये, और प्यार में खुदम और गुस्से में खुदू, पागल, जल्दी जल्दी सामान सारा जल्दी जितना बताया चलो सारा सारा दे दो, अरे प्लस दादा मिली जो भी था कि रहना पड़ेगा हमेशा पॉलिटिशियन के अंडर ही, अब मैं उस चीज का वेट कर रही हूँ कभी उन लोग का फास्ट बढ़े, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना,
इन दोनों की स्टोरी में अब आगे क्या है, क्योंकि अब असल में इट्स मोर अबाउट कि इस फजल बख्शी क्या स्टोरी बना रही है, जब पकड़ा जाएगा तो उसके बाद कैसे मनाएगा, क्या होगा। मुझे बहुत बुरा लगा उसके डैड, उसके लिए वो रिंग विंग लेके तो आए हैं, कटेगा अलग अभी उसका, कटेगा तो सही, बहुत गंदा कटेगा। वही तो, ये सब सीन जब थोड़े से और फास्ट हो जाए ना, थोड़ा और फन होगा। अब तक वो सुकैना के सीन्स के चक्कर में होते जा रहा था, लेकिन अपना बर्थडे तो ये वापस लंदन में ही बनाना है। वही ये लोग सच्ची पहुंच गए तो लंदन रिंग लेके, एग्जैक्टली विद द रिंग। नहीं, उसके दोस्त, उसका दोस्त है इधर मैनेज करने के लिए, उसको खबर देने के लिए। वही अगर वो कॉल करेगा तो ये तो इतने से देर में आके बोल देगा मैं लंदन से ही आ गया, ये दोस्त भी बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया है। तू बता रहा है कि मैं बताऊं, मतलब बता चुका हूँ। कह रहा है मैंने कहा है महरीन के साथ जरा घुमा करो, मिला करो। ओहो बहुत, हाँ नीच होता है ना, जैसे वैसे ही दिखाया है उसको, प्रॉपर वेरी क्यूट। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीक। ठीक है गाइस, बोलो आप लोग के लिए कल चला। ठीक है, बाय।